Hello friends, welcome back to my channel. Now today we are going to discuss about some important reactions of D and F block. देखो हम सबको पता तो है कि अभी आने वाले IAS exam में D and F block के reactions compulsory आने ही वाले हैं, ठीक है? लेकिन problem ये है कि उनको याद रखना थोड़ा मुश्किल है, तो बस उसी में आपको help करने वाला है कि how to remember these complicated reactions. Organic के reactions तो हम लोग अच्छे से learn कर लेते हैं, but problem आता है जब D and F block के inorganic के बड़े-बड़े reactions आ जाते हैं, तब हमको थोड़ी दिक्कत हो जाती है. तो let's work on this, let's try to memorize these reactions. तो अब जो बड़े-बड़े reactions है और स्पेशली आपको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है, तो जरूर आप कहीं ना कहीं अटकोगे और बहुत सारा लोड आ जाता है मेमोरी पे. तो उसको थोड़ा मिनिमाइज करने के लिए आपको थोड़ा एक ट्रिक और टेक्निक्स बताता हूं कि ये रिएक्शंस आपको कैसे याद रखने हैं. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन. किस चीज का प्रिपरेशन? प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7, राइट? सो दिस इज योर K2Cr2O7, ऑरेंज कलर का. ऑफकोर्स जब भी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, तब तब ये ऑरेंज कलर का होता है. जब भी ये क्रोमियम +3 बन जाएगा तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, क्लियर ग्रीन, ठीक है? ये तो 10 स्टैंडर्ड से हम लोग दिखता है, राइट? तो अगर सीआर का अगर आपको ये +6 पे विश्वास नहीं है कैसे आया, तो 2x, ओके, एंड पोटेशियम इज +1 × 2 +2x माइनस ऑक्सीजन इज -2 × 7 = 0, राइट? सो ये हो जाएगा +2 + 2x -14 = 0, +2 − 14 −12 −12 उस साइड पे भेज दिया तो पर +12 बन जाएगा एंड x विल बिकम +6. दैट्स हाउ क्रोमियम इज लूजिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑल इट्स 6 इलेक्ट्रॉन्स. याद रहे कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 24, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 4s2. आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 4s1 3d5. तो टोटल ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, राइट? एंड दैट्स हाउ इट इज लूजिंग ऑल इट्स 6 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द कंपाउंड K2Cr2O7. तो K2Cr2O7 प्रिपेयर करने के पहले वी आर क्विकली हैविंग अ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ K2Cr2O7, ठीक है? इधर भी प्रूव हो जाएगा आपको कि इट इज लूजिंग, हाँ वाकई में इट इज लूजिंग ऑल इट्स 6 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द कंपाउंड K2Cr2O7. देखो ब्रिज है, ऑक्सीजन ब्रिज है बीच में, CrOCr, ठीक है? आप देखना, फोकस करना कि ऑक्सीजन इज द वर्ल्ड सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट. तो क्रोमियम से इलेक्ट्रॉन वो लेगा, कितने लेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स एक क्रोमियम ले रहा है. तो हर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6, ओके? तो ये है डाइक्रोमेट. डाइक्रोमेट का फॉर्मूला ये सब क्यों बता रहा हूं, ये प्रीरिक्विजिट है, ठीक है? अभी जो हम लोग करने वाले हैं उसमें ये सब लगने वाला है, प्रीरिक्विजिट है ये. तो Cr2O7 2- दिस इज योर डाइक्रोमेट, एंड Cr O4 2- इज योर क्रोमेट. क्या है ये? सोडियम, मतलब क्रोमेट है. अगर सोडियम लगा देंगे तो सोडियम क्रोमेट बन जाएगा, और पोटेशियम लगा देंगे तो पोटेशियम क्रोमेट बन जाएगा. तो क्रोमेट का स्ट्रक्चर सर Cr O4 है, तो Cr O4, राइट, Na2 Cr O4 ऐसा बनेगा. यहां पे Na2 Cr O4 दिख रहा है. Na क्या है, थोड़ा ऊपर ले लू, या Na क्या है, Na2 Cr O1 O2 O3 O4, Na2 Cr O4, ठीक है? क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. अगेन क्रोमियम इज लूजिंग हाउ मेनी, 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो दोनों क्रोमेट में और डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6 है, ओके? तो चलो अभी लेट्स डाइव इन डीप इनटू प्रिपरेशन. प्रिपरेशन के लिए हम लोग यूज करने वाला है क्रोमाइट ओर. क्या प्रिपेयर करना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रिपेयर करना है. क्या यूज करेंगे, क्रोमाइट ओर यूज करेंगे, ओके? तो क्रोमाइट ओर क्या फॉर्मूला है, क्रोमाइट ओर का FeO.Cr2O3, ओके? FeO.Cr2O3, ये है क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला. नाउ दिस क्रोमाइट ओर, इसमें से हमको क्या बनाना है, K2Cr2O7 बनाना है. तो लॉजिक थोड़ा यूज करो, ठीक है? ये ओर है, ओर मतलब मिनरल प्लस गैंग, पहले गैंग हटा दो, और आपके फाइनल प्रोडक्ट में K2Cr2O7 है. K2Cr2O7 में कहीं Fe है क्या, नहीं. इसका मतलब Fe से हमको छुटकारा पाना है, Fe को वी हैव टू गेट रिड ऑफ Fe, ओके? सो FeO.Cr2O3 में सबसे पहले क्या ऐड करेंगे हम लोग, दो तरीके अभी इसको क्रोमेट में कन्वर्ट करने के लिए. एक तो हम लोग NaOH ऐड कर सकते हैं या फिर Na2CO3 ऐड कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी ऐड करो, आपकी मर्जी, ठीक है? तो FeO.Cr2O3, मैं Na2CO3 वाला मेथड प्रेफर कर रहा हूं. तो वी आर टेकिंग Na2CO3, ओके? Na2CO3, अब ये ऐड करने के बाद में, अब ये स्टेप हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेप है हमारा ऑक्सीडेशन करने के लिए. किसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं. तो ये तो एज इट इज ही रह जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन करना हमको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तभी तो इससे छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है? तो अब वील गेट Fe विल गेट कन्वर्टेड इनटू Fe2O3, तो Fe से वी हैव गॉट रिड ऑफ Fe, ओके? प्लस वी विल गेट Na2CrO4, राइट? Na2CrO4 प्लस CO2, 8 CO2, 8 याद रखो, 8 उतना मेमोरी में याद रखो, बाकी लॉजिक से कर लेंगे, ठीक है? 8 CO2 एंड H2 मिलने वाला नहीं, हाइड्रोजन ही नहीं, H2 नहीं मिलेगा, ओके? तो 8 CO2 है, मतलब ये 8 हो जाएगा,
कोई एक सी देखो इसमें ट्रिक कैसा है ना कि कोई एक नंबर याद रखो और बाकी आप ऑन द स्पॉट याद कर सकते हो, मतलब लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो। तो ये 8 ले लिया तो इधर भी 8 लेना पड़ेगा, अब ये 8 ले लिया तो इधर भी 8 आएगा, राइट इधर भी 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 इधर आ गया तो यहाँ पर भी हमको 4 कम से कम लेना पड़ेगा, 4 टू जा 8, तो इधर कितना आएगा 2Fe2O3। ठीक है, अब चेक करो बैलेंस हो गया। अभी देखना इसमें क्या बाकी है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना बाकी है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन 4 1 जा 4 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 8 3 जा 24, तो कितने हो रहे 4 12 प्लस 4 कितने हो गया 16, 16 प्लस 24 कितना हो गया 40, और इधर कितना आ रहा है 2 3 जा 6 प्लस 8 4 जा 32 और 8 2 जा 16, तो टोटल कितना हो गया 54 हो गया। तो अब इसमें कितने ऑक्सीजन कम बढ़ रहे हैं, 14 ऑक्सीजन कम बढ़ रहे, तो इधर डायरेक्ट ऐड कर दो 7O2, तो ये पूरा रिएक्शन क्या हो गया बैलेंस्ड। अब देखना Fe4 बैलेंस्ड है, फिर Cr2 और ये 4 2 जा 8 Cr, इधर भी 8 Cr वो भी बैलेंस्ड है, 8 Na2 बैलेंस्ड है, कार्बन्स 8 है यहाँ पे, 8 CO2 दोनों जगह पे बैलेंस्ड है। तो ये आपका बैलेंसिंग हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेप हो गया अभी। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप में हमको क्या मिला यहाँ पे Na2CrO4, अब इस Na2CrO4 को नेक्स्ट स्टेप में ले लो। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में इसको लेकर जाएंगे Na2CrO4, ध्यान देना Na2CrO4 दो ले लो Na2CrO4। ठीक है, बहुत आसान है, देखना Na2CrO4 इसमें ऐड कर दो डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, क्या ऐड करेंगे डाइल्यूट H2SO4 ऐड कर देंगे। अब Na2 और इतना कंबाइन कर दो, अब Na2 यहां पे लिख देता हूं Na2 CrCr क्या हो गया Cr2, अब O4 और O4 क्या हो गया O8 हो गया, लेकिन O8 मत लेना O7 ले लेना। ठीक है सर, और एक ऑक्सीजन, वो एक ऑक्सीजन इस H2 को दे दो तो उसका H2O बन जाएगा, और ये Na2 को SO4 के साथ कंबाइन कर दो तो Na2SO4 बन जाएगा। ठीक है, नहीं डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड है, ओके तो यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की जरूरत है। ओके देन आप क्या करेंगे, अब ये Na2Cr2O7 को नीचे के स्टेप में ले लो Na2Cr2O7, ओके Na2Cr2O7, बस सिर्फ KCl ऐड कर दो, आपको मेटल एक्टिविटी सीरीज तो याद होगा ही, मेटल एक्टिविटी सीरीज में क्या है पोटेशियम ऊपर है सोडियम नीचे, तो पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा, अब जब पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा तो वील गेट 2KCl ले लेंगे, K2Cr2O7 मिल जाएगा और 2NaCl मिल जाएगा, दैट्स इट, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, आसानी से एकदम प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या याद रखना जरूरी था आपको, ठीक है स्टार्टिंग का ये जो फर्स्ट स्टेप है ना वही थोड़ा आपको तकलीफ दे सकता है, उसमें आपको क्या याद रखो 8CO2 याद रखो, मेरे को एक ही नंबर याद रखा मैंने 8CO2, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा बैलेंसिंग रटो। ठीक है, क्रोमाइट और आपको बताया कि Fe2CR2O3, ठीक है उसको ऑक्सीडेशन करना है, FeO को हटाना है, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, अब सिर्फ 8CO2 की मदद से पूरा रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया।